जय श्री गणेश, जय श्री हरि। गृहिणी चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। वैशाख मास चल रहा है जो कि समाप्ति की ओर चल रहा है। 23 मई को पूर्णमासी है तो उस दिन से दूसरा नया महीना लग जाएगा, वैशाख मास की समाप्ति हो जाएगी। अगर ऐसे में आपको लगता है कि आपने ऐसे कोई कार्य नहीं किए जो कि वैशाख मास से संबंधित होते हैं, जो भगवान श्री हरि के प्रसन्नता के लिए किए जाते हैं और माँ लक्ष्मी की कृपा के लिए किए जाते हैं, तो आइए हम आपको बताते हैं बचे हुए दिनों में वैशाख मास के संपूर्ण फल की प्राप्ति कैसे की जा सकती है। धार्मिक मान्यताओं के वैशाख माह में जल का दान करना सबसे बड़ा दान माना जाता है। कहते हैं कि वैशाख माह में जो भी व्यक्ति जल का दान करेगा उसे तीर्थ के बराबर का पुण्य फल की प्राप्ति होती है। स्कंद पुराण में जल दान का महत्व बताया गया है। जो व्यक्ति वैशाख के महीने में राह गिरों को जल पिलाता है, उनके लिए प्याऊ लगाता है, पशु पक्षियों के लिए दाने की व्यवस्था करता है, उसके जीवन में सुख और समृद्धि आती है। वैशाख माह में भगवान विष्णु की पूजा करने से व्यक्ति के सभी संकट दूर होते हैं और उसकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। विष्णु पूजा में तुलसी के पत्ते के उपयोग जरूर करना चाहिए। इस माह में सूर्योदय से पहले स्नान करें, फिर विष्णु भगवान का पूजन और जाप करें और तप करें, इससे सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। वैशाख के महीने में जमीन पे सोना चाहिए। अगर अभी तक आप नहीं सोए तो जो 23 मई तक ही आप ऐसा कीजिए, आप जमीन पे चाहे आप थोड़ी देर के लिए बैठ सकते हैं तो बैठे, और अगर आपको अपना बिस्तर लगा सकते हैं तो आप जमीन पे ही सोएं, क्योंकि ये भगवान का बहुत ही पवित्र महीना है। जो कर्म हम लोग ने अभी तक नहीं किए हैं वो बचे हुए 23 मई तक के हम लोग को कर लेने चाहिए। तला भुना भोजन और मसालेदार भोजन से परहेज करें। दिन में एक समय भोजन करें और नया तेल शरीर पर ना लगाएं। ये काम करने से शरीर स्वस्थ रहेगा और रोग से दूर रहेगा। स्कंद पुराण के अनुसार माधव मास यानी वैशाख मास के समान कोई मास नहीं है, सतयुग के समान कोई युग नहीं है, वेदों के समान कोई शास्त्र नहीं है और गंगा जी के समान कोई तीर्थ नहीं है। इस माह के दौरान आपको ओम माधवाय नमः मन का निधि कम से कम 11 बार जाप करना चाहिए। साथ ही भगवान विष्णु के केशव, हरि, गोविंद, त्रिविक्रम, पद्मनाभ, मधुसूदन, अश्वत और हरिकेश नाम का भी ध्यान करें। उनको पंचामृत का भोग लगाएं और उस पंचामृत में तुलसी पत्ते डालना ना भूलें। साथ ही उन्हें सफ़ेद और पीले फूल चढ़ाएं। इससे आपके कैरियर में, नौकरी में, व्यापार में और घर में सुख शांति समृद्धि स्वास्थ्य में वृद्धि होगी। इससे जीवन के सभी कष्ट दूर होंगे। अगर आपको मेरे द्वारा दी हुई जानकारी पसंद आए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में जय श्री हरि, जय श्री लक्ष्मी लिखें।